विमान उड़ाने को तैयार है। MiG-21 में अभिनंदन का एक बार फिर अभिनंदन हो रहा है। कुछ ही समय पहले पाकिस्तान के F-16 को मात देते हुए अभिनंदन का विमान क्रैश हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अभिनंदन को डिटेन कर दिया था। अभिनंदन के भारत वापस आने के बाद कई मेडिकल चेकअप्स के थ्रू अभिनंदन को गुजरना पड़ा, जिसके बाद कुछ महीनों तक विमान उड़ाने में रोक लगा दी गई थी। लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब अभिनंदन एक बार फिर MiG-21 लेकर विमान उड़ाने को तैयार। कुछ ही देर में अभिनंदन विमान के साथ रवाना होने वाले हैं। आपको दिखा रहे हैं MiG-21 विमान है ये, फाइटर पायलट है अभिनंदन, देश का गर्व है अभिनंदन, और एक बार फिर विमान उड़ाने को तैयार है। पठानकोट एयरबेस से विमान उड़ाने वाले हैं अभिनंदन। पठानकोट एयरबेस से विमान उड़ान भरने वाले हैं अभिनंदन। MiG-21 में अभिनंदन का स्वागत है एक बार फिर। एक छोटे ब्रेक के बाद अभिनंदन एक बार फिर फाइटर प्लेन उड़ाने को तैयार हैं। पाकिस्तान के F-16 को मात देने के बाद अभिनंदन जिन चीजों से गुजरे उसके बाद उनको कुछ महीने के लिए रेस्ट देने का ऐलान हुआ था और वायुसेना की तरफ से ये फैसला किया गया था, लेकिन एक बार फिर MiG-21 उड़ाने को अभिनंदन तैयार हैं। पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरेंगे अभिनंदन। जो तैयारियां हो रही हैं उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विमान उड़ाने से पहले जो जरूरी तैयारियां होती हैं, जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो पूरी तरह से लगाए जा रहे हैं। विमान उड़ाने के लिए पायलट अब तैयार हैं। कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे MiG-21 विमान से। वायुसेना के फैसले के बाद अभिनंदन कुछ महीने तक रेस्ट पीरियड पर थे और वायुसेना का कोई भी विमान अभिनंदन नहीं उड़ा रहे थे। पाकिस्तान से वापस आने के बाद कई सारे मेडिकल चेकअप के जरिए उनको गुजरना पड़ा। उनकी सेहत का और उनकी मानसिक सेहत का खास ध्यान रखते हुए वायुसेना ने ये फैसला लिया था कि कुछ महीने तक अभिनंदन विमान नहीं उड़ाएंगे। लेकिन एक बार फिर MiG-20 विमान पर अब सवार हो चुके हैं अभिनंदन और कुछ ही देर में विमान उड़ान भरने वाला है। विमान में अभिनंदन का एक बार फिर स्वागत हुआ और वायुसेना का विमान MiG-21 उड़ान के लिए तैयार है। अभिनंदन भी उड़ान के लिए तैयार है। अभिनंदन पाकिस्तान से वापस आने के बाद ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं, दोबारा वही काम करना चाहते हैं। वायुसेना
सारे मेडिकल चेकअप्स थे जिसके जरिए उनको गुजरना पड़ा। V-21 विमान में अभिनंदन इस वक्त बैठे हुए हैं और उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार। उड़ान के लिए विमान अब पूरी तरह तैयार है। आप देखेंगे कुछ ही देर में MiG-21 विमान को उड़ान भरते हुए, जिसमें भारत की शान अभिनंदन, वायुसेना की शान अभिनंदन इस विमान में मौजूद है। और जिन चीजों के जरिए अभिनंदन गुजरे उसके बाद ये उनकी पहली उड़ान है और कई मायने में खास थी। पठानकोट एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और अब कुछ ही देर में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक्सपर्ट्स हर एक व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, जिससे कि एक फाइनल थम्स अप दिखा के विमान को रवाना किया जा सके। पठानकोट एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां से अभिनंदन एक बार फिर अपनी ड्यूटी रूटीन पर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। MiG-21 विमान में अभिनंदन उड़ान भरने को तैयार है। ये वही विमान है जो पाकिस्तान एयरबेस, बाकी जगह पाकिस्तान की सीमा में क्रैश हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने अभिनंदन को डिटेन कर दिया था और उसी के बिल्कुल बाद में अभिनंदन को कुछ महीने का रेस्ट दिया गया था। लेकिन एक बार फिर वो MiG-21 विमान के साथ उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार। फाइनल थम्स अप विमान को मिल चुका है और अब किसी भी क्षण विमान उड़ान भरने को तैयार। आप देख रहे हैं पठानकोट एयरबेस से ये लाइव तस्वीरें।
So stand like this, I suggest. Okay, like this. So that nobody is staggered. Let me stagger. Okay, nobody. वायुसेना प्रमुख के साथ अभिनंदन। MiG-21 विमान की उड़ान भरने को है पूरी तरह तैयार। टेक ऑफ के लिए विमान तैयार है। रनवे पर विमान इस वक्त मौजूद है और टेक ऑफ के लिए बस कुछ ही क्षणों में तैयार। वायुसेना प्रमुख भी विमान में मौजूद है और अभिनंदन। एक बड़े अरसे के बाद एक बार फिर MiG-21 विमान को लेकर कुछ ही क्षणों में रवाना हो जाएंगे। पठानकोट एयरबेस की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद अभिनंदन एक बार फिर MiG-21 विमान को लेकर रवाना हुए। रनवे पर विमान इस वक्त मौजूद है और कुछ ही क्षणों में टेक ऑफ करेगा। पाकिस्तान के F-16 को मात देते वक्त अभिनंदन का MiG-21 क्रैश हो गया था, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने डिटेन कर दिया था और इसी के बाद वायुसेना ने फैसला लिया था कि अब कुछ महीनों तक अभिनंदन विमान नहीं उड़ाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर अभिनंदन MiG-21 लेकर हुए रवाना।